तो सर सबसे पहले तो स्पॉट लैम्प पर रिलीज हुआ आज का गाना मिट्टी मिट्टी गल्ला बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है, सुना हमने। आप जी बताइए इनके साथ में कोलैबोरेशन किस तरीके से रहा और कितना मजा आया आपको इनके साथ कोलैबोरेट करके? वेल, ये जो गाना है मीठी मीठी गल्ला, ये आज रिलीज हुआ है और राज आशु का कॉम्पोजिशन है और इसके बोल लिखे हैं मुरली अग्रवाल ने, और मुझे बहुत मज़ा आया था ये गाना रिकॉर्ड करके। बहुत सुंदर ट्यून है और सिंगल है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सुनने वाले जो हैं वो इसको आनंद लेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। ओके सर, इसके अलावा यू नो सर, बात की जाए तो योर सॉन्ग, कोई भी गाना आपने गाया है, इट हैज सेट अ ट्रेंड। जो एक ट्रेंड है वो उसने ऑलरेडी सेट किया है। इस गाने से जब आपने इस गाने को गाया तो यू नो ऑब्वियसली नॉट बीइंग फ्रॉम अ फिल्म नॉन फिल्म सॉन्ग होने की वजह से क्या लगता है कितना ज्यादा यू नो एक स्ट्रगल होता है लोगों तक पहुंचाने में, मासेस तक पहुंचाने में? या फिर अब वो दौर आ गया है जब यू नो एक नॉन फिल्म सॉन्ग का भी लोगों तक एक चलन पहुंच गया है और लोग अब उसे भी ज्यादा पसंद करने लग गए और इतना स्ट्रगल नहीं है उसको पहुंचाने में लोगों तक? मेरे ख्याल से जो डिजिटल मीडियम जो है आजकल वो बहुत स्ट्रांग है और उसकी वजह से किसी भी आर्टिस्ट को अपना गाना लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर तो जैसे स्पॉट लैम्प पे ये गाना है और 9XM पे, और तो बिकॉज ऑफ यू नो द इंटरनेट एंड बहुत सारे लोग आजकल ट्यून इन रहते हैं, डिजिटल मीडियम पे कनेक्टेड रहते हैं, तो मेरे ख्याल उस पे लोगों तक तो गाना पहुंच जाता है। और गाना अगर अच्छा है तो चाहे वो फिल्म का है चाहे नहीं है, संगीत तो संगीत है, तो उसको लोग पसंद करते हैं और सुनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फिल्म का गाना हो तो वो ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। ऐसा भी होता है लोगों तक पहुंचता है, लेकिन अच्छा गाना जो है वो एक बार लोगों को सुनाई दे जाए तो वो लोग उसको लेके अपनी प्लेलिस्ट में डाल लेते हैं और वो फिर हमेशा के लिए चलता है लोगों के साथ। तो मुझे लगता है ये जो गाना है ये सिंगल है पर गाने में जो मिठास है वो लोगों तक पहुँचेगी, और आजकल रीच बहुत है डिजिटल मीडियम का। सो यू स्टार्टेड फ्रॉम 90s, यू नो आपका राइट 20s है, 90s से 20 तक, 20s में गाना ही एक ऐसा है जिस जो इतनी जल्दी और इतनी फास्ट चेंज हुआ है। यू नो अगर हम बात करें आपकी, तो रॉकस्टार में आपने हर तरीके का गाना गाया, राइट अब सॉन्ग और भी ज्यादा अलग तरीके के आ रहे हैं। अपना किसी और तरीके के गाने में हैंड्स ट्राई करने का कभी सोचा है? ऐसे दिमाग में आया है कि मैं इस तरीके के गाने में अपने हैंड्स ट्राई करना चाहता हूँ? देखिए, मैंने मेरे को मेरा पहला गाना 98 में आया था, तो अभी ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं। 20 साल में मैंने सिंगल्स भी निकाले हैं, अपना एक एल्बम भी किया जिसमें 10 गाने थे मैंने कंपोज किए फितूर एल्बम में, और बहुत सारे फिल्मों में मैंने गाने गाए हैं 20 साल के करियर में। तो मेरे ख्याल से रोमांटिक गाने के अलावा मैंने बहुत सारे फन सॉन्ग्स भी गाए हैं, साडा हक टाइप के गीत भी गाए हैं। तो ये हमारी हिंदी फिल्म की खूबसूरती है कि एज अ प्लेबैक सिंगर आपको बहुत सारे डिफरेंट जॉनर जो हैं वो छूने को मिल जाते हैं और उसका आनंद आदमी लेता है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन चैलेंजिंग भी रहता है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर जाना पड़ता है एक गीत निभाने के लिए एक फिल्म में। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो गाना गाना है वो चैलेंजिंग लगता है, डिफिकल्ट जॉब है, क्योंकि मुझे गाना अक्सर तब मिलता है जब मैं स्टूडियो आता हूँ या एक आध दिन पहले कि ये आपको गाना गाना है, एंड सडनली यू रियलाइज के गाना एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा आप नेचुरली गाते हो, तो वो चैलेंज भी रहता है। और जब वो चैलेंज को आप निभा पाते हैं और लोगों तक गाना पहुँचता है और लोगों को अच्छा लगता है तो एक बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है। देखिए
अगर आपकी बात की जाए तो एक नॉन मतलब लर्न, जैसे कि हमें पता है कि आपने सीखा नहीं है गाना, राइट नहीं सीखने का फायदा रहा आपके लिए या नुकसान रहा, एक तो ये, और दूसरी बात ये कि कितना इस चीज को की वजह से इंडस्ट्री में अपनी जगह जहाँ पे आज आप बैठे हैं बनाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितना टाइम लगा? देखिए, आर्टिस्ट का काम है अपने फन को निभाना, तो चाहे वो एक्टिंग है, चाहे कुछ भी है, जो भी आपका क्रिएटिव फील्ड है, आप उसमें काम करते रहते हैं। और बेसिक बात ये है कि आपका काम भी और ज़िंदगी जो है वो एक जर्नी रहता है। तो अगर आपका एक गाना बहुत बड़ा हिट हो गया है तो उसके बाद क्या है फिर? तो उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि एक गाना हिट हो गया तो उस पर आप बैठे रहोगे फिर। तो क्रिएटिविटी जो है वो एक जर्नी रहता है, एक लगातार उसमें आदमी डूबता रहता है, और उसमें से जो भी आपको मिलता है आप उसको लाते हैं बाहर और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है मेरा 20 साल का जर्नी है। सब अलग अलग जो बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनके साथ मैंने काम करने को मुझे मिला है, सबका अलग अलग तरीका रहता है अपना काम करने का, ट्यून बनाने का, और जो उनका प्रोसेस रहता है। तो हर माहौल में ढलना और उसको निभाना वो एक मेन फोकस रहता है। और मैं तो अपना काम कोशिश करता हूँ कि मैं इंटेग्रिटी के साथ और सच्चे दिल से करता रहूँ, और मुझे जहाँ भी बैठाना है या जितना प्यार देना है वो ऑडियंसेस पे रहता है। और बेसिक बात हुआ है। लेकिन यू नो, जब एक एक्टर की बात करते हैं तो वो जब अलग अलग फिल्मों में काम करता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करता है, तो उसे एक टाइम लिमिट दी जाती है कि वो सीखे उस लैंग्वेज को बराबर से, यू नो, अपने जबान पर लाए। पर अगर एक सिंगर की बात की जाए, आपकी बात की जाए, तो मतलब यू नो अलग अलग लैंग्वेजेस में गाना गाया है आपने जी। और अभी मीठी मीठी गल्ला की भी बात करें तो उसमें बीच बीच में पंजाब का वो एक जो पंजाबी टच दिया है, तो उस चीज के लिए तो ऑब्वियसली आप लोगों को टाइम नहीं मिलता कि यू नो आप उस चीज को बराबर बैठा सके। कितना मुश्किल हो जाता है एक सिंगर को एक नॉन नोन लैंग्वेज में गाना गाने के लिए जो वो नहीं जानते? हाँ, जो आपकी लैंग्वेज नहीं है उसको निभाने में मुश्किल जरूर होता है, बिकॉज आपका वो कम्फर्ट जोन नहीं है। पंजाबी तो फिर भी मैं बोल पाता हूँ, बोलता भी हूँ, लेकिन अगर आप तमिल में गा रहे हैं या मलयालम में गा रहे हैं या, तो उसमें तो जो शब्द होता है उसको समझना भी मुश्किल होता है। लेकिन वो फिर एक पूरे टीम का एफर्ट रहता है, तो जो सिंगर जो है उसको जो लिंग्विस्ट है वो फिर एडवाइस करता है और बताता है भी आप ऐसे प्रोनाउंस कीजिए ऐसा, तो उसमें वक्त भी लगता है। लेकिन उसको आपको प्रोनाउंस भी ठीक करना है और उसमें इमोशन भी आपको डालना है और उसमें एक गीत के साथ जो बहना है वो भी है, तो मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उसमें अपने दिल को उसमें डाल दें तो वो फिर आप उसको निभा पाते हैं, यू नो, वक्त लगता है। करियर का सबसे मुश्किल गाना कौन सा रहा है? वैसे तो हर गीत मुश्किल होता है, कई बार आपको सुन के लगता है कि गाना बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप स्टूडियो में इसको करेंगे ना तो आपको सडनली रियलाइज होगा कि उतना आसान नहीं है ये, चाहे वो हिंदी का भी हो, क्योंकि उसमें आप चाहते हैं कि ये चीज मैं थोड़ी डाल पाऊं या ये इमोशन इसमें डाल पाऊं, और उसके लिए वक्त कम होता है, 3 मिनट का गाना होता है, 4 मिनट का। तो कई बार ऐसा लगता है कि वो सिंपल गाना है सुनने में, लेकिन जब आप उसको परफॉर्म करते हैं या उसको रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें आपको इमोशन दिखाने में वक्त लगता है, यू नो, तो वहीं पर आपका हुनर काम आता है। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं जिसके साथ यादें जुड़ी हो जो मुश्किल रहा हो? बहुत बार यू नो कोशिश करने पर गाने के कोई ऐसा पर्टिकुलर सॉन्ग? गाने हाँ लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रॉकस्टार के गाने हैं, वो कुछ गाने बड़े मुश्किल लगे मुझे, और साडा हक जैसे गाना है, और एक तो वो बहुत उसका जो की है जो उसका वो बहुत हाई है, तो रहमान साहब जब मैं वहाँ पर था तो रहमान साहब मुझे पूछ रहे थे कि मैं गाना सुन रहा था, कहते सो आर यू रेडी, तो लेट्स रिकॉर्ड। तो मैंने बोला जी मैं सुन रहा हूँ अभी गाना, तो ही लाफ्ड, ही सेड
थोड़ा हाई लग रहा है आपको, तो मैंने बोला हाई है, तो मुझे लगा था वो कहेंगे भी थोड़ा डाउन कर देते हैं, तो ही सेड कोई बात नहीं है, गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। तो उसमें से फिर आदमी बाहर निकल के, तो फिर वो अंदर से खींचना पड़ता है, कहीं से आपकी सोल में कुछ चीज़ है, उसको आप लाते हैं बाहर और फिर आप उसको निभा पाते हैं। ओके सर, तो बात हम मीठी मीठी गल्ला की कर रहे हैं, तो दो लाइनें तो सुननी आपसे बनती है, दो लाइनें हमें मीठी मीठी गल्ला की सुना दे। दो लाइनें। मीठी मीठी गल्ला करके ओ मेरे दिल विच रहंदी है, कुछ नहीं कहंदी लब तो अखां तो गल्ला कर दी है। Very nice. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you.